नमस्कार, इस वीडियो में आपका स्वागत है। आइए, छोटा सा प्रश्न। सिक्का धातुएं किन्हें कहते हैं तथा इनके उपयोग लिखें, इस प्रश्न को हम जानेंगे। तो आइए जानते हैं सिक्का धातुएं किन्हें कहते हैं। तो प्राचीन समय से कॉपर, गोल्ड और सिल्वर का उपयोग सिक्का बनाने में किया जाता था। तो कॉपर, गोल्ड एवं सिल्वर सिक्का धातुएं कहलाती है, परंतु वर्तमान समय में कई धातुओं का उपयोग सिक्का बनाने में किया जाता है। तो आइए सिक्का धातुएं किन्हें कहते हैं, इनके उपयोग लिखे, इस प्रश्न को हम जाने। तो कॉपर, सिल्वर एवं गोल्ड, जिन्हें सिक्के या मुद्रा बनाने में प्रयुक्त किया जाता है, और प्राचीन समय से भी इन धातुओं का उपयोग सिक्का बनाने में किया जाता है था, इसलिए इन धातुओं को सिक्का धातुएं कहते हैं। अर्थात कॉपर, सिल्वर और गोल्ड सिक्का धातुएं कहलाती है, सिक्का धातु या मुद्राएं धातुएं कहलाती है। उपयोगों पर चर्चा करते हैं। तो हम वर्तमान समय पर चर्चा करें तो वर्तमान समय में झिंक, कैडमियम व निकिल का उपयोग भी सिक्का बनाने में किया जाता है। अतः ये भी सिक्का धातुएं हैं, परंतु प्राचीन समय से कॉपर, सिल्वर और गोल्ड का उपयोग किया जाता था। अतः इन तीन महत्वपूर्ण धातुओं को सिक्का धातुएं कहते हैं। किंतु वर्तमान समय में झिंक, कैडमियम व निकिल का उपयोग भी सिक्का बनाने में किया जाता है। तो आइए उपयोगों पर चर्चा करते हैं। झिंक, कैडमियम व निकिल का उपयोग बैटरी उद्योगों में, गोल्ड व सिल्वर का उपयोग आभूषण बनाने के लिए, और AGBR का उपयोग अर्थात सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग फोटोग्राफी फिल्मों को बनाने के लिए किया जाता है। अर्थात फोटोग्राफी उद्योगों में AGBR अर्थात सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग फोटोग्राफिक फिल्मों को बनाने में किया जाता है। इस प्रकार से सिक्का धातुओं के कई अन्य महत्वपूर्ण उपयोग हैं। थैंक यू।